दोस्तों जानते हैं कि मोदी शाह की सबसे बड़ी टेंशन किसने बढ़ा रखी है, बढ़ा रखी है इस देश की अदालतों ने। कैसे? जैसे ही सब कुछ ठीक ठाक होने लगा था, वैसे ही SC ST मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से फैसला आ गया। चिराग पासवान ने झंडा बुलंद कर दिया। अब एक ऐसा ही फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के दरवाजे से बाहर आया, जिस चिंगारी को कपड़ा मार मार कर छिपाने और दबाने और शांत करने की कोशिश मोदी शाह से लेकर RSS और खुद योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, उसी मुद्दे पर इस तरीके से घिर गए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ी बगावत और बीजेपी नहीं NDA में बड़ी बगावत की चिंगारी फिर से सुलग उठी है। यानी एक तरफ 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के डर से घबराई हुई थी बीजेपी, तो वहीं दूसरी तरफ हुआ क्या कि हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद केशव प्रसाद मौर्य से लेकर अनुप्रिया पटेल तक ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। कहा जाता है कि मजबूरी की होती है ना चीजें, वो ज्यादा दिन तक चल नहीं पाती। आप दबाव डालकर कितने दिन रोक पाएंगे? यही दबाव डाला जा रहा है RSS की तरफ से कि किसी भी तरह से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहे। लेकिन हालत क्या है, केशव प्रसाद मौर्य के पास पूरे नंबर हैं, सहयोगी दल केशव प्रसाद मौर्य के पास है, वो सिर्फ मोदी शाह के कहने पर शांत बैठे हुए। और जब जब मौका मिला तब तब योगी आदित्यनाथ की परतें भी खोलकर रखी, उनकी कार्यशैली की परतें खोलकर रखी। यही हुआ है इस बार इलाहाबाद हाईकोर्ट के दरवाजे से एक फैसला निकल कर आया। फैसला ये कि 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, उनको लेकर नए सिरे से अब सूची जारी करनी होगी। वही सूची जिस सूची को जारी कराने के लिए ये 69,000 अभ्यर्थी जब जब लखनऊ पहुंची, तब तब योगी आदित्यनाथ के आदेश पर इन्हें खदेड़ा गया, मारा गया, कूटा गया, घसीटा गया। तब तब योगी आदित्यनाथ की सरकार ये ऐलान करती रही कि जो ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और हम नियम कायदे के अनुसार कर रहे हैं। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बता दिया है कि योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं, उनकी सरकार जो कर रही है, वो गलत है। और इसी से तगड़ा झटका योगी आदित्यनाथ की सरकार को लगा है। लेकिन जैसे ये फैसला आता है, देखिए इस फैसले को योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, उनकी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। लेकिन उन्हीं सरकार में डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। खबर देखिए, खबर क्या है, ABP न्यूज ने छापा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद केशव प्रसाद मौर्य बोले, पिछड़ा और दलित वर्ग की जीत, लंबा संघर्ष किया। यानी सोचिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जिस फैसले को योगी आदित्यनाथ के लिए झटका बताया जा रहा है, उसी फैसले को जीत बता रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। मैं आपको बताता रहा हूं कि दरअसल 4 जून के नतीजे आने के बाद जो अमित शाह ने पासा फेंका था योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने का, उसके बाद से लड़ाई उत्तर प्रदेश में अगड़ा बनाम पिछड़ा हो गई थी। पिछड़े वर्ग के विधायक नेता जो भी सब थे, वो केशव प्रसाद मौर्य के गुट में थे। और ताज्जुब की बात यह है कि जितने भी बीजेपी के सहयोगी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो पिछड़ी समुदाय से आई आते हैं। चाहे वो निषाद को ले लीजिए, चाहे आप ओम प्रकाश राजभर को ले लीजिए, अनुप्रिया पटेल को ले लीजिए, केवल अभी हाल में शामिल हुए जयंत चौधरी को छोड़कर, तो तीनों साथी भी सीधे सीधे केशव कैंप में खड़े। ये अगड़ा बनाम पिछड़े की लड़ाई में जब जब मौका मिला तब तब केशव प्रसाद मौर्य ने इसी तरह के बयान दे डाले। पहले तो उन्होंने कहा संगठन सरकार से बड़ा है, यानी कि जिससे बड़ी तिलमिलाहट होने लगी योगी आदित्यनाथ को। और अब देखिए, जिस मामले पर चुप रहना चाहिए था, जिस मामले पर कहना चाहिए था कि हाईकोर्ट के फैसले से वो सहमत नहीं, क्योंकि उनकी खुद की सरकार की फजीहत हो रही है, उस पर केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं बड़ी जीत। खबर पहले मैं पढ़कर बता देता हूं। इसमें लिखा, इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के तहत 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चयन सूची को रद्द करते हुए नए सिरे से सूची बनाने के आदेश दिए हैं। इस पर अब सियासत तेज हो गई है। अब डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया आई है, क्या कहा उन्होंने पढ़कर बताता हूं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। यह उन पिछड़ा व दलित वर्ग के पात्रों की जीत है जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। कौन शिक्षक है, कौन अभ्यर्थी है जिनका तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य? वही है जिनको लखनऊ की सड़कों पर मारा पीटा जा रहा था। कई तस्वीरें आई थी जो प्रेग्नेंट महिलाएं भी वहां पर पहुंचती थी अपने हक हकूक की आवाज उठाने, उनको भी घसीटा जाता था, खसेड़ा जाता था, और वो भी बीजेपी के दफ्तर के बाहर, कभी कभी तो CM आवास जो है उसके आसपास भी यही हुआ। तमाम जगह यही चीज की जा रही थी लगातार। लेकिन अब झटका लगा हाईकोर्ट से, हाईकोर्ट ने कहा नई सूची जारी करिए, क्योंकि आरक्षण के नियमों के हिसाब से ये सब कुछ नहीं किया जा रहा। इसने जैसे ही झटका दिया योगी आदित्यनाथ को, वैसे ही उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर केशव प्रसाद मौर्य जाग गए। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, ये अच्छा फैसला है। मैं फिर बता रहा हूं कि जो लोग आपको भड़काते हैं ना, बरगलाते हैं, भड़काते हैं कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है, अब केशव प्रसाद मौर्य शांत हो गए हैं, कोई बगावत नहीं होगी, योगी CM रहेंगे, मैं अभी बता रहा हूं नहीं रहने वाले। मजबूरी नहीं चल पाएगी ज्यादा दिन तक,
क्योंकि जब हद से पार होंगी चीजें तो बगावत ऐसी होगी जिसे ना मोदी संभाल पाएंगे, ना शाह संभाल पाएंगे, ना आरएसएस की मोहन भागवत संभाल पाएंगी। बहुत जबरदस्त बगावत की चिंगारी हो जाए चल जाएगी। क्योंकि खास बात यह है कि बीजेपी की जो सरकार है, यूं कहा जाए योगी आदित्यनाथ जिनके बलबूते मुख्यमंत्री बनकर बैठे हुए हैं, उसमें ज्यादातर पिछड़े और दलित विधायक हैं और सारे के सारे केशव प्रसाद मौर्य के साथ। अब देखिए, बात सिर्फ ये नहीं है कि बीजेपी के अंदर है। अब आइए हिंदुस्तान की खबर भी दिखा देता हूं। 69,000 शिक्षक भर्ती पर यूपी सरकार को झटका, अनुप्रिया पटेल ने हाईकोर्ट के फैसले का किया स्वागत। अनुप्रिया पटेल, दरअसल क्यों मैं इनका ना जिक्र कर रहा हूं और क्यों इनका बयान फौरन इसके बाद आया, मैं आपको समझा देता हूं। दरअसल हाल ही में आपको याद होगा 4 जून को नतीजे आने के बाद तमाम चीजें घटनाक्रम हो रहे थे, उसमें से अनुप्रिया पटेल का एक लेटर पर तेजी से वायरल हुआ था। वैसे तो अनुप्रिया पटेल एनडीए का हिस्सा है, मोदी सरकार में मंत्री है, वो चाहती हैं उनके पति आशीष पटेल खुद योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री हैं, चाहती हैं अगर उनको ज्यादा ही फिक्र थी आरक्षण की कि आदिवासियों का, पिछड़ों का, दलितों का आरक्षण नहीं किया जा रहा, अधिकारी नॉट फॉर सुटेबल कहकर इनके आरक्षण को लील जा रहे, तो वो जाकर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सकती थी। लेकिन उन्होंने मुलाकात नहीं की, उन्होंने क्या किया, एक चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी न केवल लिखी बल्कि उसे वायरल भी कर दिया। उन्होंने कहा हाँ मैंने चिट्ठी लिखी है, उसमें साफ साफ लफ्जों में लिखा था कि चाहे वो पिछड़ों का आरक्षण हो नियुक्ति में, चाहे वो दलितों का हो या फिर आदिवासियों का, इनको आरक्षण नहीं दिया जा रहा और इनके योगी के अधिकारी क्या लिख देते हैं, नॉट फॉर सुटेबल, और उस आरक्षण को खत्म कर दिया जाता है। ये बात बकायदा अनुप्रिया पटेल ने कही थी, जिसने हड़कंप मचा दिया था कि ये बात तो बंद कमरे में कर सकती थी, जाकर मुलाकात कर सकती थी, बता सकती थी ये गलतियां हो रही, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अवैध वसूली से लेकर जो टूल टैक्स वाली थी उससे लेकर योगी की तरफ से लाए गए नजूल भूमि विधेयक को फिजूल या बकवास करार दिया था। अब देखिए, जब ये 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर हाईकोर्ट का एक आदेश आया जिसने योगी सरकार को झटका दिया, उसके बाद अनुप्रिया पटेल भी सामने आ गई। अब इसमें क्या लिखा पढ़िए। इसमें लिखा 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 को लेकर दिए गए लखनऊ बेंच हाईकोर्ट के फैसले से यूपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। मैंने कह रहा हूं देखिए लगाया झटका। वहीं अपना दल एस के अध्यक्ष केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि खुद पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना था कि इस भर्ती में आरक्षण नियमों की अनदेखी हुई है। अब जबकि उच्च न्यायालय ने आरक्षण नियमों का पूरा पालन करते हुए नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया है, तब उम्मीद करती हूं वंचित वर्ग के प्रति न्याय होगा। लिखा है कि उनके द्वारा इस विषय को हमेशा सदन में लेकर से लेकर सर्वोच्च स्तर पर उठाया गया, अब तक इस प्रकरण में वंचित वर्ग को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक इस विषय को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए लगातार हर संभव प्रयास करती रहेंगी। यानी योगी सरकार के खिलाफ जो डंका है, डंके की चोट पर वो विरोध करती रही है इन सब तमाम चीजों का, आरक्षण को लेकर वो लगातार समर्थन करती रही है, उसको करती रहेंगी, वो छोड़ेंगी नहीं। यानी अपनों से ही घिरे हुए हैं, ना जरूरत है राहुल गांधी की, ना जरूरत है अखिलेश यादव की, ये लोग ही कदम कदम पर योगी आदित्यनाथ की ऐसी आलोचना कर रहे हैं कि बार बार सियासी भूचाल आ जाता है जो योगी आदित्यनाथ की रात की नींद उड़ा देता है। नमस्कार।